गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना जरजेस अंसारी जी की वीडियो पे, जिनकी वीडियो आती रहती है और लास्ट टाइम आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया इनकी वीडियोस पे और इनकी वीडियो होती ही सच में प्यार देने वाली है। और हाँ, बहुत ज्यादा आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग बहुत पसंद करते हो इनकी वीडियो, तो हम अक्सर इनकी वीडियो आपके अकॉर्डिंग और आपकी रिक्वेस्ट और सजेशन के अकॉर्डिंग लाते रहते हैं। फिलहाल वीडियो, आज का जो टाइटल है वीडियो का, वो है मुस्लिम मौलाना, मतलब मौलाना जरजेस जी ने रामायण के बारे में क्या कहा। मतलब इन्होंने रामायण तो जरूर देखी होगी, आप लोगों ने भी देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना। हमने रामायण महाभारत वैसे देखी है, पर रामायण बहुत ही अच्छी है और आप लोगों उससे बहुत कुछ सीखने को मिले, बट वो सीखने की चीज है। अगर आप देखोगे, आप अगर आप मुसलमान भी हो तब भी आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिंदगी को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप देखोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी और जिस जिसने देख रखी है ऑलरेडी वो कमेंट करके जरूर बताना किस किसने रामायण देखी हुई है। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, मौलाना जरजेस अंसारी जी ने रामायण के बारे में क्या कहा है। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है, लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है सीता की, चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे गए, दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है, कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है सीता का, चलो और आगे चलो इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़े, एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी, तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है जल्दी से। लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी, ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने, हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों, कारे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की, राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की जो 2000 साल पहले लिखी गई है, आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती है वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपवा दिए, छिपाओ डालो मास्क अपने मुंह पर, मास्क बहुत बंदरिया बनी फिरती थी अमरीका ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ है। आप जिनका पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल, आपको यकीन बता मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूँ मैं आपको, 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुरका और खूबसूरत बुरका, डिस्को बुरका, फूल उल चढ़े हुए, अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुरका देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा, इतना खूबसूरत बुरका था वो नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा, इसने पीछे मुड़ के देखा कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है, वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही है, कमजोरी की वजह से, लड़का समझा हाँ लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा लड़का और औरत वो बुढ़िया समझ गई कि कमीना मुझे मेरा पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया, खूबसूरत नकाब, बोल बूढ़े लगे नकाब खोल के कहती बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है,
मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कब वक्त दो घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुजुर्ग ने, हमें क्या मालूम। अबे यार आज तो कॉमेडी सी वीडियो बना रखी है। लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, है इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुरका पहन के जा रही है फूल उल सजे हुए। लड़का सोचने लगा जब बुरका इतना खूबसूरत है तो बुरके वाली कितनी खूबसूरत होगी, लगा उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़िए हदीस, हाय अल्लाह के रसूल अरायतल हमवा या रसूल अल्लाह, हाय अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या मैं देवर से पर्दा करूं, एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है, हाय अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं। अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं, जो मजाक शौहर से भी नहीं करती वो देवर से कर लेती हैं। करंट टाइम पर एक हम है, भाभी को घर पहुंचा दो, अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है, ससुर कह रहा है बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़ जाओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं, हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला, एक औरत बिचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था, जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द से हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है पेट बड़ा, उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो, उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा, और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो, हाँ लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए तब हमें पैसा दे जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो दो तीन दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं, इसने कहा जी, कहा ठीक है उसको एडमिट कर लिया गया है, और उसने सोचा कि चलो हम चलें एक दो दिन के बाद आऊँगा देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूंगा तब ले लूँगा पैसा, ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था, फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीबी ब्रेड और आमलेट बना के लाई, टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फोन और नंबर सब लिख दिया था। फोन आ, ए फला बोल रहे हो, जी भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में जद्दा में। अच्छा तुम तो अपने घर पे आराम कर रहे हो, का क्या हुआ, अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना, बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर दिमाग तुम्हारा ठीक है, बीवी, अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजू तुम्हारे घर, जिस औरत को यहां एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहां छोड़ के गया है, मैं आ रहा हूँ तेरा सत्यानाश जाय चुड़ैल डाइन। उसने टैक्सी चलाई और धर से चलाता हुआ चला गया, कहने लगा ए क्या बदतमीजी है, उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए तुम्हें शर्म नहीं आई, मैं कितनी परेशान रही, रोना शुरू कर दिया, और आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ए ये क्या बदतमीजी है, डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है, डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई हमें यहाँ छोड़ के चला गया, नहीं मैं ये बेटा मेरे, अरे मेरा मेरा नहीं है, चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो चलो। उसने कहा ऐसा है चेकअप कर लो,
चेकअप, कहा डीएनए टेस्ट कराइए। लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है, डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है। अभी पता चलता है, दो घंटे के बाद, तीन घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी, या दो दिन तीन दिन के बाद, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यही रखिए, दो दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मैं आऊँ। दो दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पर गिर गई, डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है, आई। अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चाट, ये तो कभी, ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है, इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा, ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब, क्या क्या कह रहे हो डॉक्टर, तुम बाप नहीं बन सकते हो भाई। कॉमेडी वीडियो थी और कहानियां जो सुनाई है इन्होंने रिलेटेड, यार क्या अजीब सी कहानी, अजीब सी, आज की बिल्कुल अजीब सी वीडियो थी, कॉमेडी वे में थी और काफी हद तक चीजें बताई है। लास्ट वाली कहानी और रामायण से रिलेटेड, भाभी से रिलेटेड, आजकल देखो यार, आजकल लेटेस्ट जमाने में कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे घर में भी आप देखते हो नॉर्मली, और मैं हिंदू की क्या बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम की बात करूँ ना, मुस्लिम में भी ये नहीं है कि भाभी देवर से पर्दे कर रही है या घर में पर्दे करके घूम रही है। आज के टाइम में बिल्कुल डिफरेंट है, ये बहुत ही पुराना टाइम था जो था, जो हमारे दिल में जो सच है वो बता रहे हैं। आप अगर मुसलमान हो, पर्दा करो, आप अगर मुसलमान हो तो आप भी समझ रहे होगे ये बात, बिल्कुल डेफिनेटली किसी भी मुस्लिम, मोस्ट ऑफ द टाइम मुस्लिम के घर में बिल्कुल नहीं है कि वो घर में बुरखा पहन के या घर में पर्दा करके घूम रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना हिंदू में। तो फिलहाल बाकी तो ये वाला था जो किस्सा था, छोटा सा, बाकी वीडियो बहुत मजा आया, वीडियो कॉमेडी थी कहीं ना कहीं। तो आप लोग कमेंट करना कौन सा पार्ट या कौन सा वाक्य आपको अच्छा लगा इसके अंदर, दो तीन वाक्य बताए इन्होंने, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, 50K जल्द से जल्द करा दो, हमारे 50K के हम बहुत करीब है, तो आप लोग शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।